इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ना ही आपको कोई आयल्स देनी है, ना ही आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूके आना चाहते हैं और यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। सो यस, यूके की गवर्नमेंट जो है वो 2 दिन के लिए यूके का जो लकी ड्रॉ वीज़ा का जो पोर्टल है वो 2 दिन के लिए ओपन करने वाले हैं। तो आप लोगों में से जो भी ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑन 20 February 2024 को यूके गवर्नमेंट लकी ड्रॉ वीज़ा का जो पोर्टल है वो ओपन करने वाली है 2 दिन के लिए। यस, 2 दिन के लिए यूके गवर्नमेंट अपना पोर्टल ओपन करने वाली है फॉर इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको ये वीडियो में इन्फॉर्म करने वाली हूँ और उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी ये वीडियो होने वाला है। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ना ही आपको कोई आयल्स देनी है, ना ही आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। तो ये जो स्कीम है ये ओपन होने वाली है 20 February 2024 को इंडियन टाइम पे दोपहर को 2:30 PM को, विच इज़ गोइंग टू क्लोज ऑन 22 February दोपहर को 2:30 PM को इंडियन टाइम पे। सो मेक श्योर आप ये लिंक पे जाके अप्लाई करो, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट है वो सिर्फ 3000 पीपल को ही सिलेक्ट करने वाली है। यस, तो ये जो स्कीम है ये 3000 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाली है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू कम इन यूके तो प्लीज़ अप्लाई फॉर द स्कीम, और इसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। तो आप ये लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो ऑन 20 February 2024 को। तो इस स्कीम के अंदर यूके की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 3000 एप्लीकेशन को ही सिलेक्ट करने वाली है। सो जब भी आप ये पोर्टल ओपन हो तो 2 दिन में से कभी भी अप्लाई कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं इस वीज़ा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कौन सी, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन से। फर्स्ट तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फिर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 30 के बीच का होने चाहिए। तो उसके बाद का जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है डिग्री, आप एटलीस्ट बैचलरेट कम्प्लीट होना चाहिए आपका। और जब भी आप यूके के लिए जो एंट्रेंस डेट है उस एंट्रेंस डेट के टाइम पे आप 18 ईयर के होने चाहिए या 18 ईयर से ऊपर के होने चाहिए। 18 ईयर के अंडर अगर आप हो तो ये आप वीज़ा स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसके बाद अगर आपका कोई चाइल्ड है तो वो 18 ईयर के ऊपर होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इस स्कीम को अप्लाई करके आप 2 साल के लिए यूके में एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, टीवी रिपोर्ट होना चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो पीसीसी सर्टिफिकेट भी आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यू शुड हैव विथ यू व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस यूके वीज़ा स्कीम, राइट। और उसके बाद का जो पॉइंट है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पासपोर्ट डिटेल, ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको इस लिंक पे जाके फिल करनी है, और आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। लिटरली इस स्कीम के अंडर दे आर पिकिंग अप 3000 एप्लीकेशन और वो रैंडमली पिक करने वाले हैं। सो लिटरली लाइक लकी ड्रॉ वीज़ा स्कीम। तो सबसे पहले आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली, आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है, और इफ़ यू आर सिलेक्टेड अंडर दिस एप्लीकेशन स्कीम तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा स्कीम के अंडर अप्लाई किया हुआ है तो उसके बाद आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस स्कीम के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी अप्लाइड फॉर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के अंडर आपने अप्लाई किया है तो, अगर उसके बाद अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है और कोई और लैंग्वेज में है तो आपके पास उसका ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप इस स्कीम के अंडर सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद वो आगे के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो वो वेरिफिकेशन करते हैं, और ये सक्सेसफुल अगर आप होते हो तो इसका जो आंसर है वो 3 वीक के अंदर आ जाता है। तो अगर आप यूके में आना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू फिल दिस फॉर्म इन दिस लिंक। और यूके की गवर्नमेंट जो है वो 3000 एप्लीकेशन को ही सिलेक्ट करने वाली है, और उसके बाद आपको 2 साल की वीज़ा मिलने वाली है यूके आने के लिए। और इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है, ये मैं सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ। तो वो आप ध्यान से चेक करके उसको फिल करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।